नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार प्रियांशु। अभी हमारी मौजूदगी अलौली प्रखंड मुख्यालय में है, जहां आज मत्स्यजीवी अलौली प्रखंड समिति के नामांकन समारोह में खगड़िया बेगूसराय निकाय के प्रत्याशी मनोहर यादव जी पहुंच चुके हैं। आइए हम उनसे सीधे जुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि जनता का सहयोग और जिनके सहयोग में वो आए हैं उनमें कहाँ तक खड़े उतर रहे हैं, इस पर हम जानकारी उनसे प्राप्त करेंगे। नमस्कार, सबसे पहले क्या नाम है आपका? मैं मनोहर कुमार यादव जी, पूर्व नगर सभापति खगड़िया। ये मुखिया जी का जो है हमेशा इस अलौली की धरती पर सेवा का इनका रहा है कि मत्स्यजीवी के जितने भी लोग हैं, जो भी मछली पालन या इनसे जुड़े हुए लोग हैं, सब दिन इनका सेवा किए हैं। इसके अलावे भी आम जन में भी इनका प्रभाव रहा है, हमेशा हर लोग का जो है मदद करते रहे हैं, इसलिए इनका हमेशा से दबदबा रहा, प्रभाव रहा, अभी भी है। और हमें लगता है इनके जीत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफा जीत है इनका। आए दिन जलकरों की बहुत ज़्यादा उगाही हो रही है, सरकार के द्वारा भी जलकरों को जीर्णोद्धार करने के प्रावधान दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद आज तक जलकरों का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है। बहुत जगह ऐसा जलकर है जो कि दबंगों का यानी कहर बन चुका है, उस पर अतिक्रमण हो रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं कहीं देखने को तो मिलता है, कहीं पर विवाद है, लेकिन अधिकांश जगह पर नहीं है। हमेशा इनके जैसे जो समाज को लेके चलने वाले लोग हैं उनका पकड़ समाज में रहा है, उनके प्रति समाज का हमेशा रुझान रहा है कि इनके जैसे लोगों को, राजकुमार बाबू के जैसे लोगों को इस पद पर बनाए रखना है। और कहीं कहीं तो हर क्षेत्र में जो है कहीं कहीं विवाद रहता है, तो ये सब बहुत बड़ा बात नहीं है, कहीं कहीं विवाद देखने को मिलता है, लेकिन ये चुनाव का भी समय है, चुनाव के मुद्दे पर हम लोग को रहना चाहिए। और इनका प्रभाव इस क्षेत्र में इतना है, हमेशा लोगों को लेकर के चलते हैं, चाहे कोई भी किसी समाज का लोग हो, सबको सम्मान देते हैं, सबको उनके अधिकार के अनुसार उनका काम करते हैं। आज जो भी मछुआ समुदाय के जो भी लोग हैं, इतना भारी जनसंख्या में जनसमाल उतरा हुआ है, बावजूद जो भी इनके मंत्री होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, आए दिन उनकी हत्या हो रही है, खासकर खगड़िया में भी हत्या हो चुकी है और इन पर जानलेवा हमला भी होती है, लेकिन सरकार के द्वारा इतना बड़ा एक प्रखंड का मंत्री अध्यक्ष रहते हुए भी इनको सुरक्षा नहीं मुहैया करवाई जाती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये निश्चित रूप से सरकार की विफलता है कि जैसे कोई जनप्रतिनिधि है जो समाज के अगुआ हैं, उनकी जान का जो है जिम्मेदारी, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, स्थानीय प्रशासन को लेनी चाहिए। ये दुखद बात है कि जनप्रतिनिधि का हत्या हो जाता है, जनप्रतिनिधि पर हमला होता है, जो काफ़ी निंदनीय है। और हम मांग करेंगे सरकार से कि चाहे किसी भी तरह के जो समाज के अगुआ है, चाहे जनप्रतिनिधि है, कोई पद पर है, चाहे मत्स्यजीवी के अध्यक्ष है, सचिव है, मंत्री हैं, तमाम लोगों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, मुखिया सरपंच की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, जो सरकार फेल हो जाती है। चलिए, इस जगह और भी आदमी हैं, यहाँ पे छिलकोरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुमिंदर मुखिया हैं और वो भी अपना समर्थन राजो मुखिया और जरबन मुखिया जी के पत्नी राम सखी देवी के समर्थन में आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है। हमारे सिक्रेटरी जो है ना, राजो मुखिया और जरबन मुखिया, बहुत जनता को किसी को तकलीफ नहीं दिया, देखता है कि कितना जनता जुटे हुए हैं, कोई नाखुश नहीं है, ऐसे एक के दुख के शब्द नहीं लिखता रहता है। बारम्बार जीतता है, जीतेंगे, अभी 1500 से कम नहीं जीतेंगे, जीत हमारा है ये है, इसलिए हम इतना ही बोल कर नहीं बोलेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।